अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुल्तानी फूड ब्लॉग विद नाजिश में वेलकम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये देखें, मैं शाम की चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ। ये मेरी प्यारी सी पांडा सो रही है और इसको बड़ी नींद आती है, और इसने सोना भी बिल्कुल छुप के किसी कोने में होता है ताकि इसकी कोई भी, इसके बहन भाई इसकी नींद ख़राब ना करें। और इसकी आँखें तो और भी माशाल्लाह और डाइज हैं, बहुत प्यारी हैं, और ये ख़ुद भी बहुत प्यारी है। ये देखें, बड़ी कोई गहरी नींद में सो रही है माशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मुल्तानी फूड ब्लॉग में वेलकम। नहीं, मुल्तानी फूड नहीं, मुल्तानी फूड ब्लॉग में वेलकम। कैसे, मैं तो ऐसी आवाज़ निकालती, सब कहते हैं आपकी आवाज़ को क्या है, व्हाट हैपन विद योर वॉइस, फलाना फलाना है भाई। तो मेरी आवाज़ ही ऐसी है, या फिर पता नहीं क्या, रिकॉर्डिंग में ऐसी हो जाती है। और ये देखें, एक मुजस्मा बैठा हुआ है सामने। अब फातिमा का दिल कर रहा है कि शाम की चाय हो, और चाय के साथ क्या हो, बिस्किट। ओ दादी अम्मा के बिस्किट, दादी अम्मा के बिस्किट नहीं, वो आप अपनी दादों के ले आना। साथ हम आज बनाएंगे शाम की चाय के साथ, जो कल हम लेके आए थे दादी जान के पापड़। हाँ पापड़, पापड़ करा रहे सब लोग। आपको नजर नहीं आता होगा, मम्मा का ना न्यू मोबाइल का कवर आया, वो भी बहुत अच्छा है। ये भी बताना था। और वो रेड कलर का मेरे सूट के साथ सेम भी होता है। ये देखो, मम्मा ने आग चलाएगी। और क्या बनाने लगी है मम्मा? भूल गई, पापड़ बना रही। मेरी आवाज पहले से हो, चाय बनाते हैं उसके बाद हम पापड़ फ्राई करेंगे। यस, मम्मा कह रही है पहले हम चाय बनाते हैं। हाँ जी, 2 कप चाय बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पहले पानी ऐड करेंगे। बस इतना सा पानी, क्योंकि अबरिश को बहुत पतली चाय पसंद नहीं है। एक कप पानी का फातिमा, आप बताओ चाय कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारे पानी में बबल्स आ गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे पत्ती। पत्ती ये देखिए, ये 1 चम्मच, दूसरा मैं डालूंगी, हाफ चम्मच और डालेंगे इसमें। ठीक है, ये चली गई पत्ती। पत्ती का जैसे थोड़ा सा कलर आएगा, हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन वाली इलायची। अब इसमें ग्रीन इलायची ऐड करेंगे, जो कि अबरिश कर रही है। 1 2 ठीक है, इसके बाद हम इसमें अभी दूध शामिल कर देंगे साथ ही। ये देखिए, हम दूध डाले हैं अब, और हमने बिल्कुल छोटे छोटे 2 कप चाय बनानी है, तो थोड़ा सा ही दूध ऐड करेंगे। वैसे मैं, मुझे खट्टी चाय नहीं पसंद। हाँ, अब इसको बहुत पतली और बहुत, अभी इसका कलर आ जाएगा। अभी तो बिल्कुल वाइट वाइट लग रहा है, पर अभी इसका कलर आ जाएगा पत्ती का। नहीं तो हम इसमें थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। लग रहा है पीच कलर है। ये देखे ना, जब इसमें एक और बॉयल आएगा तो ये कलर आ जाएगा इसका। अभी तो ये पीच कलर है ना। अब चाय में जोश आ रहा है और चाय का कलर भी आ रहा है, जैसे इसमें एक बॉयल आ जाएगा। अब फातिमा, अभी शुगर ऐड नहीं करनी, ये शुगर लेके बैठी हुई है। अब फातिमा शुगर लेके बैठी हुई है और ये चाय में जोश आ रहा है। फातिमा चलो इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड कर दें। ओ जरा डालो तो सही, शुगर भर के डालो 1 टीस्पून। हाँ चलो, बस बहुत है। अब जिसमें बॉयल आ गया, अब हम इसमें फेंटियां लगाएंगे इसकी। जी अब हमने कुछ नहीं करना, आग हमने बंद कर दिया, थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी, और हमने इस तरह चाय की फेंटी लगानी है अच्छे से। ठीक है, ताकि ये अच्छे से, ताकि हमारी चाय और मजे की हो जाए, और थोड़ी ठंडी भी हो जाए। उसके बाद हम अपने पापड़ करारे फ्राई करेंगे। यस, फ्राई करेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। पैन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं अपने पापड़ के हिसाब से। कुछ इस तरह का है, ठीक है, रेड चिली है, स्पाइसी होगा, मुझे स्पाइसी भी पसंद है। इसको अभी हम फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद ट्राई करते हैं। ओहो, ऑयल गर्म नहीं हुआ हमारा अभी ठीक से।
चुका है। अब हम इसमें पापड़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। चाय, मेरी और अभी फातिमे की चाय भी तैयार है और ये हमारे क्रैकर्स यानी कि हमारे दादी जान के पापड़ करारे भी बिल्कुल रेडी हैं। मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको ये कैसे बने हैं। टेस्ट करके बता रही हूँ, साउंड आ रही है ना, बहुत क्रंची, बहुत मज़े के, और चाय के साथ इनका मज़ा और दुबाला। ये और लाइट चली गई। अभी फातिमा बताएं कैसे हैं ये पापड़, खा के बताएं। मज़ा तो, और ये जो अंदर क्रंची क्रंची है, क्रंची क्रंची भी बहुत मज़े का। ये सच है।